लंबे बाल की चाह तो हर लड़की रखती है, लेकिन चाहत होने के बावजूद कुछ लड़कियां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के चलते उसे पूरा नहीं कर पाती। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जिसने एक नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इनसे मिलिए, ये है अरवली जिले में रहने वाली नीलांशी पटेल, जिसने लंबे बालों से दो बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीलांशी पटेल ने 6 साल की उम्र से ही अपने बाल नहीं कटवाए, इसके बदौलत आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। नीलांशी पटेल ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नई उपलब्धि का ताज पहना है। 2018 में नीलांशी के बालों की लंबाई करीबन 170.5 सेंटीमीटर थी और अब 190 सेंटीमीटर के साथ नीलांशी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि लंबे बाल रखने वाली नीलांशी टेबल टेनिस और स्विमिंग में भी माहिर है। इन दोनों ही खेलों में नीलांशी राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुकी हैं। अब आइए आपको नीलांशी से मिलवाते हैं और बताते हैं कि वो अपने लंबे बालों को कितना जरूरी मानती हैं। मैं कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर जाऊँ या कोई भी ओकेशन में जाऊँ तो लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने, मेरे साथ बातें करने, मेरे साथ फोटोज खिंचवाने आते हैं, तो मुझे बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी की तरह फील होता है। फॉरेनर्स मेरे पर स्टोरी बनाना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मेरे बाल इतनी प्रसिद्धि दिलवाएंगे। मुझे IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम ने इन्वाइट किया था और उस वक्त मुझे बहुत मान और सम्मान मिला था और वो मेरे लिए बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ इटली रोम में मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए बुलाया गया था और मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड वही हुआ था और उस वक्त मैंने ले नोटी दे रिकॉर्ड नाम का इटली टीवी शो भी किया था और वो मेरे लिए ग्रेट एक्सपीरियंस था। नीलांशी ने ये भी बताया कि उनको हर रविवार को बालों को धोना पड़ता है। अपने बालों को भगवान का तोहफा मानती है नीलांशी। लंबे बालों का अरमान रखने वाली महिलाओं के लिए नीलांशी एक उदाहरण है। अभी भी नीलांशी के माता पिता लंबे बालों के साथ उनकी पहचान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली से ईशा मालवी की रिपोर्ट, गुजरात तक।